क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। देखो जी, डिजाइन कुछ इस तरह से है, ये डिजाइन है, ठीक। इस डिजाइन का जो हिस्सा है मैंने उसको इस तरह से बनाया है, ठीक है। वो करने के बाद में क्या, देखो जब ये डिजाइन है तो इसकी जो रेडियस है ये क्या है, 8 सेंटीमीटर, मतलब साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं एक चीज को देखूं, अगर मैं देखूं कि ये जो हिस्सा दिख रहा है मुझे यहाँ से यहाँ तक का, दिख रहा है ना, क्वाड्रेंट दिख रहा भाई, ए डी सी ए वाला हिस्सा, ठीक है, ये क्वाड्रेंट दिख रहा। अगर इस क्वाड्रेंट में से अगर ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मुझ पर ये हिस्सा आ जाएगा, फर्स्ट वाला शेडेड पार्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो अगर फर्स्ट शेडेड पार्ट निकलेगा जितना पहला है उतना दूसरा भी होगा, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के शेडेड पार्टों का एरिया को प्लस कर दूंगा और मुझ पर दोनों का शेडेड रीजन निकल जाएगा, ठीक है। निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने लिखा एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन इजिकल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल। देखो करते हैं स्टार्ट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पार्ट्स होता है ना एरिया, तो 1/4 पाई r² ठीक है। और माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसीलिए 1/2 बेस इनटू हाइट होगा, तो बेस कितना हो गया, बेस हो गया हमारा डी सी और हाइट कितनी हो गई ए डी, ठीक है ए डी। तो क्या करें, 1/4 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर कितना है, आर तो 80 है, ठीक है, क्वाड्रेंट के लिए रेडियस यही है 8 का स्क्वायर माइनस 1/2, बेस कितना 8, हाइट कितनी, जितनी है इतनी है, ये भी 8 × 8, ठीक है, 2 से काटा 4 बार, अब यहाँ 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, ठीक है। तो देखो क्या बचता है, ये बच गया हमारा 11 × 8 × 2 × 7, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, 8 × 4 बच गया, तो 2 से काटा 4 बार, ठीक है, तो कितना बच गया, ये हो गया हमारे पास 11 × 8 = 88 की 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, ये आ गया 4 4, पहले ही लिख लेते हैं, ये हो गया 88 × 4/7 माइनस का ये होगा 32, ठीक है, ये कितना हो गया 8 4 = 32 और ये हो गया 35/7, ठीक है, 3 357 52/7 माइनस का 32, ठीक है। 1 मानो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके कितना आ गया 7, तो ये कितना हो गया 352 माइनस का, और 7 से मल्टीप्लाई कर दी 32 की, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 224, ठीक है। अब माइनस कर दो इसमें से, माइनस करके कितना हो गया, माइनस करके आ गया 128/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जितना रीजन फर्स्ट है उतने सेकंड है, ठीक है, दोनों बराबर पार्ट है, यहाँ से देखो दिख रहा है ना, दोनों तरफ बराबर बराबर, तो जितना फर्स्ट है उतने सेकंड, यानी कि क्या आएगा, एरिया ऑफ सेकंड रीजन इज इक्वल टू कितना आएगा, ये भी आएगा 128/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, दोनों चीज़ सेम आ गई। तो अब मुझे क्या करना, शेडेड रीजन निकालना, तो शेडेड रीजन कैसे करूँगा, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन या डिजाइन के दो इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन प्लस का एरिया ऑफ सेकंड रीजन कितना आया 128/7 और प्लस का 128/7, ठीक है, दोनों का एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा 7 128 प्लस का 128 प्लस कर कितना आ गया, ये आ गया 256/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, समझ में आ गया ना, दिख रहा ना 256/7 का स्क्वायर। कैसे निकाला, बहुत आसान था, हमने क्या करा,
यहाँ से यहाँ तक का क्वाड्रेंट हो रहा, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में से अगर ट्राइंगल माइनस कर दो तो मुझ पर फर्स्ट रीजन का एरिया निकल जाएगा। जब फर्स्ट रीजन का एरिया निकल गया तो वो कितना है, सेकंड के बराबर है, तो दोनों के बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ, क्या करूँ मैं डिज़ाइन निकालने के लिए क्या करूँ, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन प्लस का एरिया ऑफ सेकंड रीजन, दोनों की वैल्यू रखी प्लस करा और एलसीएम लेकर सॉल्व करा तो ये आ गया 256 सेंटीमीटर, 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना, दिख गया ना। तो ये हमारी एक्सरसाइज यही खत्म होती है, ठीक है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।